क्यों भाई क्या हो गया है? शांति बाजार सबरूम वालों को ऐसी आवाज नहीं चलेगी। फिर से एक बार हमें बीजेपी की सरकार बनानी है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए सभी लोग, माताएं बहनें भी उठाए, सरकार बनाने के संकल्प का मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, मेरे मित्र और यहां पूरे नॉर्थ ईस्ट के भाजपा के प्रभारी श्रीमान संदीप पात्रा जी, उत्तर प्रदेश से यहां पर चुनाव के प्रभारी के रूप में आए हुए डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, शांति बाजार विधानसभा के प्रत्याशी भाई प्रमोद रियांग जी, प्रमोद आ गया हो, ताली बजाओ सभी लोग प्रमोद के लिए। मनु विधानसभा के श्री मौलव फरूक मोम जी आ गए, मोम साहब। सबरूम विधानसभा से श्री शंकर रॉय जी, बेलोनिया से श्री गौतम सरकार जी, जोलाईबरी से श्री शुक्ल चरण नोवाकिया जी, और आज की सभा में इतनी बड़ी मात्रा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले मां त्रिपुर सुंदरी की इन पावन धरती पर आकर मैं त्रिपुर सुंदरी को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं माणिक्य वंश के महान राजाओं और त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम देव को नमन करता हूं, जिन्होंने त्रिपुरा को अनेक अनेक संकटों से बचाने का काम किया है। इस क्षेत्र में स्थित शिवबरी, भुवनेश्वरी मंदिर, देवतामुर मंदिर और तीर्थमुख को भी प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं लंबा बोलना नहीं चाहता, मैं कुछ चीजें आपके सामने आज रहस्य उद्घाटन करने आया हूं। आप लोग सबसे पहले मुझे बताइए, आजादी से अब तक 50 साल हुए त्रिपुरा को, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने 50 साल तक शासन किया, कभी हमारे ट्राइबल भाइयों का इस त्रिपुरा का कल्याण हुआ है क्या? बताइए, 50 साल तक विकास हुआ था क्या? अरे जोर से बोलिए, हुआ था। माताओं के घर में शौचालय पहुंचा था क्या? गैस का सिलेंडर पहुंचा था क्या? कोरोना का टीका, कभी भी अलग अलग रोग आए, टीका लगाने की प्रक्रिया हुई थी क्या? मुझे बताओ, आप सबका कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? जिसका लगा है वो हाथ ऊपर करे जरा। किसी को 5 पैसा भी देना पड़ा है क्या? अरे कोरोना का टीका लगाकर मोदी जी ने पूरे त्रिपुरा को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया है भाइयों, सुरक्षित करने का। कई लाख लोगों को घर देने का काम किया, 4 लाख परिवारों को घर में पीने का पानी दिया। आज ये हमारे लाल भाई कम्युनिस्ट भाई निकले हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आपने आप
27 साल के शासन में कितनी माताओं को घर में पीने का पानी दिया? सिर्फ 24,000। कितने? जोर से बोलो, कितने? और मोदी जी ने 5 साल में 4,00,000 घरों में पीने का पानी पहुंचाने का काम किया। मित्रों, ये परिवर्तन है, ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। आप मुझे बताइए, कम्युनिस्ट पार्टी को आप जिताना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, जिताना चाहते हो? एक कम्युनिस्ट, एक कांग्रेस और एक मोथा वाले तीनों मिले हुए हैं, तीनों मिले हुए हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट तो सार्वजनिक रूप से मिले हुए हैं, मगर मोथा वाले टेबल के नीचे मिले हुए, पीछे पीछे से काम। मुझे समझ में नहीं आता क्या हो गया है मोथा के नेताओं को, जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने अब तक आदिवासियों को इतना अन्याय किया, वो कम्युनिस्ट पार्टी को जिताने के लिए मोथा ने अलग मोर्चा खोला है। मैं आज कहने आया हूं त्रिपुरा की जनता को, झांसे में मत रहिएगा। वोट कम्युनिस्टों को दिया, कांग्रेस को दिया या अनानस वाले मोथा को दिया, सरकार कम्युनिस्ट की बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तो केवल और केवल आपको कमल के निशान पर बटन दबाना है, कमल के निशान पर। माताओं, भाइयों, बहनों, कम्युनिस्टों ने अहंकार दिया था, हमने आपको अधिकार देने का काम किया है। 400 लोगों की हत्या कर हिंसा का तांडव किया था हमने। ब्रू और रियांग समझौता कर यहां पर अनेक उग्रवादी संगठनों से समझौता कर विनाश की जगह विकास दिया है। कम्युनिस्ट हमेशा विवाद शुरू करते थे, हमने विवाद की जगह विश्वास देने का काम किया है, त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, यही त्रिपुरा है जो कभी उग्रवाद, बांग्लादेशी घुसपैठियों की घुसपैठ, ब्लॉकेड, ड्रग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, भ्रष्टाचार और आदिवासियों के अन्याय से जाना जाता था। 5 साल में हमारे दो मुख्यमंत्री विप्लव जी और डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में अब यहां पर रोड बन रहे हैं, पुलिया बन रही है, पानी आ रहा है, सुरक्षा का वातावरण सुनिश्चित हो रहा है, इंडस्ट्री आ रही है, ऑर्गेनिक खेती बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे आदिवासी माताओं, भाइयों, बहनों को अधिकार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, पहले आपको रेशन कार्ड लेना है तो कार्ड होल्डरों के पास जाना पड़ता था, कम्युनिस्ट पार्टी की कैडर के पास जाना पड़ता था। ठेका लेना है, कम्युनिस्ट पार्टी की कैडर के पास जाना पड़ता था। आपका सस्ता अनाज लेना है, कम्युनिस्ट पार्टी की कैडर के पास जाना पड़ता था। भारतीय जनता पार्टी ने एक कैडर का राज समाप्त कर संविधान का राज बनाने का प्रयास किया है और इसको जमीन पर उतारा है। टोलाबाजी की परंपरा को हमने समाप्त कर दिया है, डर के माहौल को हमने समाप्त कर दिया है। और मोदी जी ने जो हीरा का मंत्र दिया था, हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरपोर्ट, ये हीरा के मंत्र पर त्रिपुरा को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कम्युनिस्टों के और कांग्रेस के 50 साल के शासन में 4,600 स्वसहाय जूट थे, 4,600 सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में 4,600 से बढ़ाकर 42,000 स्वसहाय जूत महिलाओं के बनाए हैं और इन्होंने 8 करोड़ रुपया फाइनेंस किया था माताओं बहनों को, सिर्फ 8 करोड़ रुपया 50 साल में 8 करोड़ से बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 562 करोड़ रुपया 562 करोड़ रुपीज फाइनेंस किया है। मित्रों, मैं आज बताने आया, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 50% की गिरावट आई है, सभी सरकारी नौकरियों में 33% हमारी माताओं बहनों को रिजर्वेशन मिला है, आरक्षण मिला है। स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो 50 साल में 73 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने थे, 73 से बढ़ाकर हमने 118 करे और 238 नई एम्बुलेंस जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सिर्फ 24,000 घरों में पानी पहुंचाया था, हमने 4,00,000 घरों में पहुंचाया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात, समग्र नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति स्थापित करने का मोदी जी ने बहुत सफल प्रयास किया। पूरा नॉर्थ ईस्ट पहले उग्रवादी संगठनों के बम धमाकों से ध्रुजता था, आज उसकी जगह रेलवे और एरोप्लेन की आवाज आ रही है। त्रिपुरा ने में भी एनएलएफटी के साथ समझौता किया, 50 से ज्यादा जनसमूहों को बसाने का काम किया, ब्रू के साथ, रियांग के साथ समझौता करकर 40,000 आदिवासी भाइयों बहनों को परमानेंट घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कम्युनिस्टों की हिंसा जिसमें सिर्फ 2 साल में 450 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, इनको संपूर्ण समाप्त कर दिया। और यहां पर मेरे आदिवासी भाई बहन आए हैं, एक कांग्रेस पार्टी, एक कम्युनिस्ट कभी आदिवासियों का सम्मान नहीं करते थे, 75 साल में कभी भी देश का राष्ट्रपति आदिवासी नहीं बना, हमने गरीब घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। देश भर में आदिवासी के विकास के लिए सिर्फ 21,000 करोड़ का बजट था, हमने बढ़ाकर 21,000 करोड़ से 86,000 करोड़, 4 गुना बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 38,800 नए शिक्षकों की भर्ती इस बजट में घोषित की, 740 केवल आदिवासी बच्चे और बच्चियों के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल का निर्माण होगा। मित्रों, भाजपा की सरकार, हमारे माणिक शाह जी बैठे हैं, एक कम्युनिस्ट हमेशा बात करते थे कि हम तो कर्मचारियों के लिए है, मजदूरों के लिए है। भाजपा की सरकार आई तब तक 5वें वेतन मान की तनख्वाह मिलती थी, कभी कभार 4थे वेतन मान की भी दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर 7वां वेतन आयोग लागू कर सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ न्याय करने का काम किया है। 24,000 से ज्यादा सरकारी भर्तियां की है और लगभग 20,000 से ज्यादा लघु उद्योग और मध्यम कक्षा के उद्योग को स्थापित करने का काम किया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत 10 लाख लोगों को बीमा का कवरेज दिया, 3 नए राजकीय कॉलेज खोले और 2 डिग्री कॉलेज पीपीपी मोड पर खोले और करोड़ों रुपए के खर्चे से राजा वीर विक्रम एयरपोर्ट को वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाकर हमने त्रिपुरा के विकास को आगे बढ़ाया। आज तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट कभी भी किसानों का चावल नहीं खरीदते थे, एमएसपी के आधार पर हमने 70,000 से ज्यादा 70,000 से ज्यादा किसानों का चावल 243 करोड़ रुपए की लागत से सीधा इनके
बैंक अकाउंट में पहुंचाकर खरीदने की शुरुआत की है। लगभग लगभग 2.5 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया देने का काम किया है और मातृभाषा में शिक्षण को प्रोत्साहित कर चकमा, गारो, मणिपुरी, विष्णुप्रिया मणिपुरी की भाषाओं में शिक्षा की शुरुआत करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, इसके साथ साथ हमने ढेर सारे प्रगति के काम किए, मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपने कांग्रेस का भी शासन देखा है, कम्युनिस्टों का भी शासन 27 साल तक देखा है। हमने परिवर्तन का वादा किया था, मैं अध्यक्षता में आया था, कहा था मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा को आप भाजपा को सौंप दीजिए, हम यहां शांति की स्थापना करेंगे। मित्रों, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने शांति की स्थापना करने का काम किया है और अगले 5 साल में पूरे नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा को सबसे समृद्ध राज्य बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को मैं कहना चाहता हूं, मोथा बरगराकर, गलत रास्ता दिखाकर त्रिपुरा मोथा वाले आदिवासी भाइयों बहनों पर फिर से एक बार कम्युनिस्टों का शासन थोपना चाहते हैं। मैं आप लोगों को कहने आया हूं, आपको मुफ्त अनाज 2.5 साल तक मोदी जी ने दिया है, घर में गैस का सिलेंडर मोदी जी ने भेजा है, शौचालय मोदी जी ने भेजा है, घर में बिजली मोदी जी ने दी है, 2.5 लाख लोगों को घर का प्रावधान मोदी जी ने करा है और हर किसान को 6,000 रुपया भी मोदी जी ने दिया है। आप मोदी जी पर भरोसा रखिए, मैं आपको बताता हूं अगले 5 साल में सबसे ज्यादा विकास अगर किसी का होगा तो मेरे त्रिपुरा के आदिवासी भाइयों बहनों का विकास होगा। माताओं भाइयों बहनों, कम्युनिस्ट पार्टी सीधा भारतीय जनता पार्टी से लड़कर जीत नहीं सकती। इन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया, मोथा के साथ गुप्त समझौता किया है और मोथा भाजपा के वोट बिगाड़कर कम्युनिस्टों को जिताना चाहती है। मोथा को वोट देने का मतलब है कम्युनिस्टों को वोट, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कम्युनिस्टों को वोट, और कम्युनिस्टों को वोट का मतलब है फिर हिंसा का शासन यहां पर त्रिपुरा में प्रस्तापित करना। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं, आप हिंसा का शासन चाहते हैं क्या? जोर से बोले, चाहते हैं क्या? तो एक निर्णय करिए, अपने अपने गांव में जाकर जागरूकता फैलाइए। कांग्रेस पार्टी लड़ ही नहीं रही है, एक कम्युनिस्ट है मोथा लड़ ही नहीं रही है, आगे पीछे कम्युनिस्ट है, मोथा को वोट, कांग्रेस को वोट मतलब कम्युनिस्टों को वोट और भारतीय जनता पार्टी को वोट मतलब मोदी जी को वोट, विकास को वोट, समृद्ध त्रिपुरा। माताओं भाइयों बहनों, मैं आप सभी को करबद्ध निवेदन करने आया हूं, बांग्लादेशी घुसपैठ से हमारे आदिवासी क्षेत्र की जनसांख्यिकी डेमोग्राफी बदल रही, इसको केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है, बाकी सभी पार्टियां तो उनको वोट बैंक गिनती। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि घुसपैठ को रोकना है, यहां हिंसा का वातावरण हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना, यहां विकास का शासन प्रस्तावित करना है, यहां स्वास्थ्य की सुविधाएं लाना है, यहां रोजगारी लानी है, शिक्षा लानी है, शांति बनानी है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हमारे मुख्यमंत्री माणिक जी ने भरसक प्रयास कर भारत सरकार से हर क्षेत्र में बहुत बड़ा फंड लाने का काम किया है और जमीन पर उतारने का काम भी किया है। जब भी विप्लव जी थे उन्होंने भी
त्रिपुरा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरा आप सबसे यही विनती है कि फिर से कम्युनिस्टों का शासन नहीं चाहते हुए तो कमल के निशान पर बटन दबाइए और 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहिए। मुझे बताइए, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे भाई सुनाई नहीं पड़ता है, जरा जोर से बोलिएगा, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? कम्युनिस्टों को रोकेंगे क्या? पूरे बहुमत से भाजपा का सरकार बनाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? माणिक शाह जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी बीचे, अपने गांव गांव में फैल जाइए और कमल के निशान का प्रचार करिए और भाजपा को जिताइए। बोलिए भारत माता की।